जय श्री गुरुदेव मित्रों, मैं आनंद दुर्गेश आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी गीत या भजन में कौन सी ताल बज रही है, ये कैसे पता किया जाए, कैसे सुनकर पता किया जाए कि इस गीत में ये ताल बज रही है और इस गीत में या भजन में कौन से शब्द पर सम आ रहा है, मतलब पहली मात्रा आ रही है। और ये जो प्रश्न है ये उन तमाम लोगों का है और हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, जो लोग संगीत सीख रहे हैं मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन या फिर यूट्यूब के वीडियो देख देख करके, तो वो भी कमेंट्स में पूछते हैं कि सर कोई भी गीत आप बताते हो या भजन बताते हो तो आप तो बता देते हो कि इस गीत में ये ताल बजेगी, इतना टेम्पो रखना है या इस मात्रा पर सम है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन से गीत में कौन सी ताल बज रही है। तो देखिए, इन सभी जो पॉइंट्स को मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, एक एक पॉइंट्स, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी जानना, क्योंकि जहाँ जो कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि एक कोई चीज़ आपको बताता हूँ फिर उससे रिलेटेड यदि कोई दूसरी चीज़ आ जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता हूँ, तो इसलिए वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरा एक चैनल और है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको संगीत सिखाता हूं और उस चैनल पर मैं जो भी आपको इसमें सिखाता हूं, जो भी गीत भजन, उसको आप उस चैनल पर सुन सकते हैं। अभी नया चैनल है और अभी वीडियो आ रहा है, धीरे धीरे डल रहे हैं वन बाय वन, तो उस चैनल से भी आप जुड़ जाइए और ईश्वरीय संगीत का आनंद लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यदि हमें किसी गीत की या भजन की ताल के बारे में पता करना है तो सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक्स ताल, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है भजनों में या फिल्मी गीतों में, उनके बारे में जान लेना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए उन ताल की थ्योरी, उस ताल के बोल, और उनको हमें हाथ पे देना भी आना चाहिए, कहाँ सम है, कितनी खाली मात्रा है और कितनी भरी मात्रा है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है, तभी हम उस गीत में जो ताल बज रही है उसको पकड़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि आपने मेरी आवाज़ को कभी सुना नहीं है, आपने मुझे कभी सुना नहीं है, और यदि मेरा कोई, सपोज मैं सिंगर हूँ, ठीक है, और मेरा कोई गाना आप सुन रहे हो और आपने कभी मुझे सुना नहीं है, या कोई भी सिंगर हो सकता है जिसको आपने कभी सुना नहीं है, और यदि उसके गीत की या उसकी आवाज़ आपके कान पर पड़ती है तो आप क्या बता पाएंगे कि आवाज़ किसकी है? आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले कभी सुना नहीं है। ठीक वैसे ही यदि किसी भी गीत में या भजन में कोई ताल बज रही है और यदि आपने उस ताल को पहले कभी सुना नहीं है, उस ताल के बारे में कभी जाना नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे? सिंपल है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है या कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है कि आप उसको याद कर लें और आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये गीत में ये ताल बज रही है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक जो ताले हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, जो सबसे ज्यादा ताले जो प्रयोग होती हैं, उनके बारे में जान लेना जरूरी है। कहरवा ताल, दादरा, दीपचंदी, तीन ताल, एक ताल, ये चार पांच प्रकार की जो ताले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होती है किसी भी गीत में, गजल में या भजन में। तो सबसे पहले तो आपको इन बेसिक जो चार पांच प्रकार की ताले, इनके बारे में जान लेना जरूरी है। सबसे ज्यादा कहरवा ताल में भजन मिलेंगे आपको, भजन मैक्सिमम कहरवा ताल में होते हैं, तो कहरवा ताल के बारे में अच्छे से जान लेना जरूरी है। जब भी मैं कोई गीत आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, उसकी ताल आपको मैक्सिमम बताइए मैंने, और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि पहले इस ताल में आप अलंकार करिए, क्योंकि अलंकार ही एक ऐसा तरीका है, इससे आपका गला भी तैयार होगा, रियाज भी होगा और ताल पर भी पकड़ बनेगी आपकी। तो जब भी आप कोई ताल सीखें या कोई भी भजन गीत आप सीखें, उसमें जो भी ताल बज रही हो उस ताल पर पहले कुछ सरगम अलंकार कर लें, पलटे कर लें, ताकि उस ताल की पहली मात्रा आप समझ पाएं, उसकी खाली मात्रा आप समझ पाएं, और आप जब उसके साथ गाएंगे उन सरगम को, अलंकार को, पलटों को, तो आपकी ताल पर पकड़ बनेगी और फिर आप उस गीत को गाना आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, मैं भी कुछ एग्जांपल दूंगा आपको तरीका क्या हो सकता है। और दूसरा, मैंने आपको कहा था कि ये पता कैसे किया जाए कि कौन से शब्द पर पहली मात्रा या सम आ रहा है,
सम का कैसे पता किया जाए, सम की मात्रा कहाँ है वो कैसे पता किया जाए, तो वो भी आपको तभी पता चलेगी जब आप उस ताल को सुनेंगे बार बार। जब आप उस ताल को बार बार सुनेंगे तो फिर आप का उससे परिचय होगा, आप उस ताल के एक एक बीट्स को सेपरेट सेपरेट समझ पाएंगे, उसके बोल को समझ पाएंगे। और जब आप हाथ पे ताली दे करके और फिर उसको करेंगे, उसको गाएंगे, जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक, तो इस तरीके से आप हाथ पे देना आपको आना चाहिए, चाहे वो कैरवा ताल हो, तीन ताल हो, दादरा हो, दीपचंदी हो, तो जो भी ताल है उसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। फिर उसको हाथ पे दीजिए, फिर आप जो ताल आप प्ले कर रहे हो किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसके साथ साथ आपको देना आना चाहिए। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब कोई गीत बजता है, जब कोई गीत गा रहा होता है, तो उसमें देखिए जहां पर सम मात्रा आएगी, जहां पर पहली मात्रा होगी, वहां पर उसको बड़ा हाईलाइट किया जाएगा उस मात्रा को। यदि कोई व्यक्ति बजाएगा आपके साथ में संगत करेगा, तो आप जब भी गाएंगे तो जैसी पहली मात्रा आएगी वो उसको हाईलाइट करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा दिखाएगा, मतलब उस पहली मात्रा को, कि हाँ ये पहली मात्रा है, क्योंकि वो हमारी वहां से ताल शुरू होती है तो सबसे मेन मात्रा कहलाती है, बाकी मात्रा उसके बाद में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो उन तालों के बारे में जान लेना जरूरी है। तो पहली फुर्सत में तो आप चार पांच प्रकार की तालों को अच्छे से सीख लीजिए, उसमें महीना दो महीना लगाइए, चाहे वो कैरवा ताल हो, तीन ताल हो, जप ताल हो, दीपचंदी हो, दादरा हो। तो सबसे पहले तो आप किसी भी ताल को पक्का करने के लिए उसकी थ्योरी को समझिए, उसके बोल को याद करिए कि तीन ताल के बोल क्या हैं, कितने इसमें मात्रा हैं, कितने इसमें भाग है, कौन सी मात्रा पर ताली है और कौन सी पर खाली है। या आप कैरवा कर रहे हो तो कैरवा का भी ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, ऐसे दादरा दीपचंदी एक ताल जप ताल इनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर उसके साथ अलंकार करिए, ठीक है। जैसे मैं बेसिक्स आपको, जैसे एक कैरवा ताल है तो अभी ये 150 टेम्पो है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो पहले तो ये समझिए कि ये जो बीट्स बज रही है इसके साथ क्लिक करिए, एक एक बीट्स को सेपरेट सेपरेट आपको काउंट करना आना चाहिए। कैसे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसके साथ आपको अलंकार करना है ना, जो हमेशा कहता हूं मैं कि जब भी आप कुछ गाएं उसके पहले उसमें थोड़ा सा अलंकार कर लें। कैसे? सारे गा मा पा धा नी सा, सानी ना पा मा गा रे सा, आ आ आ आ आ आ, सारे गा गा रे गा मा मा गा मा पा पा मा पा, पा धा नी नी धा नी सा सा, सानी ना धा नी ना पा पा ना पा मा मा पा मा गा गा मा गा रे गा रे सा सा। तो अपने आप में बहुत आप एंजॉय करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। तो किसी भी ताल को पक्का करने के लिए पहले उस ताल का परिचय या उसकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में उस ताल में अलंकार आप करिए और फिर गीत पे आइए आप। तो देखिए आप अलंकार के बाद में फिर गीत कैसे गा सकते हैं। देखिए पांच छह सात आठ, चार पांच छह सात आठ, I'm not afraid to die.
सारे गीत आ सकते हैं। तो एक मैं तरीका बता रहा हूं, आप जब अलंकार करोगे तो आप रिदम में आ जाओगे, एक ले में आ जाओगे, और वो ले आपको हेल्प करेगी किसी भी गीत को ताल में गाने में। ठीक है, तो आप पहले तो बेसिक ताल को सीखिए अच्छे से। सबसे ज्यादा जो गीत भजन गजल होती है वो होती है कैरवा, उसके बाद तीन ताल, फिर दादरा, दीपचंदी और झपताल। इनमें सबसे ज्यादा गायकी होती है, 90% गाने भजन गीत आपको इन्हीं में मिलेंगे। तो इनको पहले लर्न करिए, इनमें अलंकार करिए, और जब ये बजेगी फिर और आपके कानों पे पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये ताल बज रही है। ऐसे ही जैसे आपने किसी को सुन रखा है, किसी की आवाज़ से आप परिचित है, यदि वो कहीं फोन पे भी बात करेगा या कहीं आप अंदर बैठे और बाहर से अगर वो बोलता हुआ गाता हुआ निकलेगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये फला व्यक्ति जा रहा है। ऐसे ही ताल का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, चाहे कोई लाख दावा करे, कितना ही कुछ कहे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको लर्न करना पड़ेगा, ताल को सीखना पड़ेगा पहले, तभी आप सुन करके बता पाएंगे कि ये ताल बज रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।